मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोश में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानकारी देंगे आपको दिवाली पर कौड़ी की पूजा और कौड़ी का मंत्र तंत्र में क्या महत्व है। हमारे समाज में कौड़ी का मतलब रुपया पैसे से होता है। आम बोलचाल में बोलते हैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। शास्त्रों के अनुसार कौड़ी के विषय में यह मान्यता है कि लक्ष्मी और कौड़ी दोनों सगी बहनें थी। कौड़ी धारणकर्ता की माँ लक्ष्मी रक्षा करती है बुरी नज़र व संकटों से बचाने के लिए। इसमें अद्भुत क्षमता होती है। दीपावली के दिन घर में 11 या 21 कौड़ी लाएं। लक्ष्मी पूजा के साथ में इनकी भी पूजा करें। आवश्यकता अनुसार इनका प्रयोग करें घर में। वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन निर्माण करते समय छत पर पहले कौड़ी डालने की रीति होती है। फिर दरवाजे या चौखट के साथ जब भी कौड़ियाँ बांधी जाती हैं तो यह नज़रदोष के लिए बांधी जाती हैं। कौड़ी विश्वास का प्रतीक है और इसकी अनेक धार्मिक मान्यताएं भी हैं। छोटे बच्चों के कमर में कौड़ी बांधी जाती है ताकि उसे नज़र न लगे। विवाह के समय वर वधु के हाथ में जो कंगना बांधा जाता है उसमें भी कौड़ी बंधी होती है। इसी प्रकार से भारत के दक्षिण क्षेत्रों में विवाह के समय जो सामान या संदूक दिया जाता है उसमें एक कौड़ी अवश्य डालते हैं। ऐसा विश्वास है कि वधू की माँ के रूप में उसे हमेशा मान सम्मान और संतुष्टि मिलता रहेगा। इस प्रकार से अनेक क्षेत्रों में लक्ष्मी का श्रृंगार कौड़ियों से किया जाता है। कौड़ियों का प्रयोग केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी किया जाता है। यूनान की जो प्रसिद्ध वीनस देवी है उनको प्रसन्न करने के लिए वहाँ के निवासी उन पर कौड़ियाँ अर्पण करते हैं। अपने जो हमारे मोटर गाड़ी वाहन होते हैं उसमें भी कौड़ी रखने का विधान है। वाहन के स्वामी को वाहन के माध्यम से धन व समृद्धि प्राप्त होगी तथा वाहन दुर्घटना से भी बचा रहेगा, इसलिए वाहन में कौड़ी बांधी जाती है। कौड़ी मिलना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी कौड़ी को संभाल कर घर में रखने से बरकत में वृद्धि होती है। विशेषता कौड़ी का जो प्रयोग करते हैं वह नज़र दोष दूर करने के लिए और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए करते हैं। मित्रों, हमने आज आपको कौड़ी के संबंध में जानकारी दी कि किस प्रकार से आप दीपावली के दिन कौड़ी को घर में लाएँ, उसकी पूजा करें, उसको अपने पास रखें, आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग करें। यह जानकारी आपको कैसे लगी इसके लिए हमारा छोटा सा निवेदन है कि हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कौड़ी के संबंध में कोई प्रश्न है, कोई आपकी परीक्षा है, आपको कुछ जिज्ञासा है तो आप हमारे नंबरों पर हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम आपके समक्ष नए वीडियो के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।